अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन और करने जा रहे हैं स्पीड का कंपैरिजन, ताकि आपको क्लियर हो सके कि V11 Pro बेहतर मिलता है या मिलता है Redmi Note 6 Pro आपको बेहतर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात करते हैं V11 Pro की। तो V11 Pro आपको देखने को मिल जाता है पाकिस्तान की मार्केट में 48-50,000, और Note 6 Pro आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है यहाँ 35-36,000 रुपये की रेंज में। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में V11 Pro आपको देखने को मिलता है 30-32,000 रुपये की रेंज में, और यहाँ Note 6 Pro की बात करूँ तो Note 6 Pro आपको इंडिया में देखने को मिलता है 13,999 का। आज करेंगे हम इनका कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन का, और अगर आप लेना चाह रहे हैं इनमें से कोई फ़ोन तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इन दोनों फ़ोन्स का बहुत जल्दी अगर चाहिए कैमरा कंपैरिजन तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ V11 Pro की स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 6.41 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है फ्रंट वाली साइड पर, एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पर, 1080p वाले आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक बिल्ड फ़ोन है लेकिन फील है काफ़ी बेहतर। फ्रंट साइड की कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 25 MP का कैमरा, ऊपर की साइड पर मिलता है स्पीकर, और रियर साइड की कैमराज की बात करें तो यहाँ 12+5 MP का कैमरा है, लेकिन जो 12 MP का कैमरा है वो है डुअल पिक्सल वाला। यहाँ पर बात करें हम फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ जो इसका प्लस पॉइंट है V11 Pro का, फिंगरप्रिंट स्कैनर रखा गया है यहाँ पर इन डिस्प्ले। यहाँ पर आप जब इसको करते हैं यहाँ पर अनलॉक इन, और ये खूबसूरत थीम एक देता है। जी हाँ दोस्तों, V11 Pro के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 660, 14 नैनोमीटर के स्केल पर बना हुआ प्रोसेसर है। यहाँ GPU आपको देखने को मिलता है 512 का, एड्रीनो 512 आपको GPU देखने को मिल जाता है। यहाँ बात कर लें V11 Pro की रैम और रोम की, तो 6GB 128GB वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ बैटरी देखने को मिलती है आपको 3400 mAh की। बॉडी की बिल्ड क्वालिटी आपको मैं बता चुका हूँ प्लास्टिक की है, ये आपके नीचे की साइड पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ माइक्रो USB 2.5 का जैक जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है 3.5 के चार्ज के साथ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3.5 mm का जैक, और यहाँ आपको देखने को मिलता है एक स्पीकर फोन। बात करूँ इस फ़ोन के ओवरऑल रिव्यू की, तो हैंड फील है काफ़ी बेहतर। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं फ़ोन तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये फ़ोन आपको फील कैसी देता है कैसी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं Note 6 Pro की, तो यहाँ 6.24 इंच वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रंट की साइड पर 19:9 का रेशो देखने को मिलता है, नॉच देखने को मिलती है, नॉच में डुअल कैमरा देखने को मिलता है 20+2 MP का कैमरा। और यहाँ बात करते हैं रियर कैमरा की, तो यहाँ 12+5 MP कैमरा मिलता है, सेंटर में देखने को मिल जाती है आपको एक डुअल टोन LED फ्लैशलाइट, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंटेना बैंड्स, ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिल जाता है 3.5 mm का जैक, साथ ही देखने को मिलता है एक IR ब्लास्टर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है वॉल्यूम रॉकर की और ऑन ऑफ की। नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड पर डुअल स्पीकर्स के साथ आपको देखने को मिलता है एक माइक्रो USB कनेक्टिविटी वाला जैक। और बात करें इसके रैम और रोम की, तो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको। Note 6 Pro के अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको Cryo 260 स्नैपड्रैगन 636 वाला 2.0 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एड्रीनो 506 के GPU के साथ आता है। यहाँ पर अगर बात करें ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स है काफ़ी बेहतर। हैंड फील की बात करूँ तो हैंड फील इसका बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर है आपको एल्युमिनियम बिल्ड क्वालिटी, एंटेना बेंच देखने को मिल जाएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है एल्युमिनियम बिल्ड वाला क्वालिटी वाला फ़ोन। यहाँ पर अगर गिरता है फ़ोन आपके हाथ से तो फ़ोन का टूटने का डर है यहाँ पर कम। हम बात कर लेते हैं अब स्पीड टेस्ट की, तो करते हैं स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोनों ही फ़ोन्स को हम कर लेते हैं यहाँ पर रीबूट, ताकि हमें कंफर्म हो सके कौन सा फ़ोन होता है बूटअप यहाँ पर पहले। तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं ऑफ, अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी देखें आप, दोनों ही फ़ोन है फ़िलहाल ऑफ, और दोनों ही फ़ोन को यहाँ पर कर लेते हैं ऑन, और देखते ये हैं कि कौन सा फ़ोन करता है यहाँ पर बूटअप टेस्ट को सबसे पहले क्लियर। तो यहाँ पर Vivo हो चुका है पहले ऑन, और Redmi Note 6 Pro हुआ है थोड़ा सा देर से
ऑन। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ वीवो है 6GB और 128GB वाला वेरियंट, और यहाँ रेडमी नोट 6 प्रो है 4GB और 64GB वाला वेरियंट। सेटिंग में जाके देख लेते हैं कि हमें वर्जन दोनों में क्या इस टाइम मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ रेडमी नोट 6 प्रो में आपको देखने को मिल रहा है 8.1.0 का ओरियो, और साथ ही आपको MIUI 10.0 ग्लोबल रोम मिल रही है यहाँ पर रेडमी नोट 6 प्रो में। और Vivo V11 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 8.1.0 ओरियो, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर Vivo का है फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.5। जी हाँ दोस्तों, करते हैं हम यहाँ पर स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। तो वाईफाई हम चेक कर लेते हैं दोनों ही फोन्स का, सेम ही नेटवर्क से है कनेक्ट। और यहाँ पर हम कर लेते हैं टैब्स को क्लोज। अब बात करते हैं यहाँ पर, हम कर लिया हमने यहाँ पर क्लोज, और दोनों ही फोन की टैब्स हैं क्लोज। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। तो ये है ऐप्स, कुछ ऐप्स मैंने रखी हैं यहाँ पर डेटा ट्रांसफर वाली, कुछ रखी हैं गेम्स की, और कुछ रखी हैं सोशल मीडिया जो हम लाते हैं डेली यूज। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर ले आते हैं अपना डायलर। जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर डायलर में पहले ऑन हुआ है V11 Pro। बात करें मैसेजिंग की ऐप की, तो यहाँ पर भी दोनों में आपको बराबर मिली है स्पीड। अब बात करते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर में देखना ये कि Redmi Note 6 Pro हुआ है प्ले स्टोर में ऑन पहले। अब बात करते हैं कैमरा ऐप की, तो यहाँ पर कैमरा ऐप V11 Pro में लिटरली पहले हुई है लोड। अब बात करते हैं हमने जो ऐप्स रखी हुई हैं स्पीड टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें Zapier की, तो Zapier यहाँ पर लोड हुआ है लिटरली पहले V11 Pro में। यहाँ हम बात करते हैं सोनिक बूम की, तो सोनिक बूम देखते हैं ये है कि यहाँ Redmi Note 6 Pro में पहले लोड होती है या ऑप्टिमाइज करता है V11 Pro पहले। तो यहाँ Note 6 Pro रहा काफ़ी पहले V11 Pro की नस्बत। अब बात करते हैं फिल्मोरा गो की, तो यहाँ दोनों ही फोन रहे तकरीबन बराबर। अब बात करें अगली ऐप की, तो अगली ऐप है सर्वे सर्फर। यहाँ ये देखना है कि इस ऐप को ऑप्टिमाइज कौन सा फोन पहले कर सकता है कौन सा नहीं। तो यहाँ V11 Pro लगता है कि करेगा पहले प्ले, लेकिन यहाँ पर Note 6 Pro रहा V11 Pro से लिटरली आगे। यहाँ पर 636 की प्रोग्रेस देखी जाए तो 660 के बराबर दे रहा है Note 6 Pro। यहाँ पर बात करते हैं अगली ऐप की, तो अगली ऐप है नाइफ हिट। यहाँ पर रहा V11 Pro आगे। अब बात करते हैं पिन आउट की, तो यहाँ पर लिटरली पहले रहा V11 Pro। ट्विटर की बात करें, तो ट्विटर देखना ये किस फोन में होता है पहले लोड। तो यहाँ दोनों ही तकरीबन सेम में रहे, जज करना मुश्किल था कि V11 Pro आगे रहा या रहा Redmi Note 6 Pro। अब बात करते हैं स्मैश हिट की, तो यहाँ V11 Pro में पहले हुई है लोड स्मैश हिट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टेम्पल रन 2 की, तो यहाँ देखना ये कि स्नैपड्रैगन 660 करता है बीट 636 को के नहीं। तो यहाँ पर दोनों में लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिला है। अब बात करते हैं हम अपने अगले ऐप की, तो अगली ऐप है यहाँ पर फायरफॉक्स। यहाँ पर दोनों ही फोन रहे बराबर। वाइबर की बात करें, तो वाइबर Note 6 Pro में रहा पहले एक्टिव। यहाँ इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम वीवो में लिटरली थोड़ा सा पहले हुआ है लोड। गला है मेरा ख़राब, आवाज़ अगर सही नहीं आ रही तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, कंटेंट पे आप तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पर स्नैपचैट की बात करें, तो स्नैपचैट जो है वो ऑन हुआ है पहले V11 Pro में। बात करते हैं फेसबुक की, तो यहाँ Note 6 Pro में फेसबुक लिटरली पहले हुआ है लोड, क्योंकि यहाँ लॉगिन था V11 Pro में आईडी। तो यहाँ अगर बात करें शेयर इट की, तो शेयर इट देखना यह है कि पहले V11 Pro में होता है लोड, यहाँ होता है Note 6 Pro में। तो यहाँ Note 6 Pro में शेयर इट हुआ है पहले लोड। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्रीम की, तो क्रीम की ऐप में देखेंगे ये कि यहाँ पर Note 6 Pro रहा आगे। बात करें कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर में रहा Note 6 Pro लिटरली आगे। यूट्यूब की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ यूट्यूब में Note 6 Pro रहा काफ़ी आगे। अब बात करते हैं हम सिटीजन पोर्टल ऐप की,
तो यहाँ ये देखना है कि कौन सा फ़ोन करता है इस पर ऐप को लोड। यहाँ पर नोट 6 प्रो रहा। आगे Netflix की बात करें यहाँ पर, तो Netflix के अंदर देखना ये कि 660 रहता है बेहतर, यहाँ 636 करता है लोड पहले, यहाँ पर 660 प्रोसेसर ले गया बाजी। अब करते हैं, ये तो बात हो गई एक स्पीड टेस्ट की, अब हम इनकी रैम मैनेजमेंट भी चेक करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो ऐप्स हमने ओपन की है आया कि ये रैम में रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को देखने के लिए कर लेते हैं स्टॉपवॉच दोनों ही फ़ोन्स की रन, तो देखेंगे ये कि दोनों ही फ़ोन्स कर सकते हैं प्रॉपर रैम मैनेजमेंट का टेस्ट कंप्लीट के नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टॉपवॉच है रीसेट, यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टार्ट स्टॉपवॉच। अब करते हैं हम ऐप्स को रन और देखना ये है कि कौन सा फ़ोन करता है पहले लोड। तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है दूसरा राउंड, तो यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आने आएगा 660 प्रोसेसर में और 636 में। तो यहाँ दूसरे राउंड का विनर है V11 Pro, काफ़ी डिफरेंस हो चुका है दूसरे राउंड में। यहाँ पर सारी ही रैम मैनेजमेंट में ऐप्स हमें मिली प्रॉपर V11 Pro में, इवन जो ऐप्स काफ़ी हैवी थी जैसा कि टेम्पल रन थी और सर्विस सर्फर थी वो पड़ी हुई थी रैम में और जहाँ भी हमने प्ले करनी चाहिए तो वहाँ हुई इजीली प्ले। तो यहाँ आज का ये कंपैरिजन है Redmi Note 6 Pro और V11 Pro के दरमियान, तो यहाँ दोनों ही के अंदर रहा, कभी पलड़ा रहा Note 6 Pro का भारी और कभी रहा V11 Pro का। तो चलते हैं हम एंड की तरफ और मुझे कमेंट सेशन में बताना मत भूलिएगा कि आपका इन दोनों ही फोन्स के साथ रहा कैसा एक्सपीरियंस अगर आप यूज कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी फोन। जी हाँ दोस्तों, ये था एक स्पीड कंपैरिजन और स्पेक्स का कंपैरिजन दोनों ही फोन्स के दरमियान, Redmi Note 6 Pro और V11 Pro के दरमियान। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा फ़ोन आप लेना चाह रहे हैं और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं दोनों में से कोई फ़ोन तो आपका एक्सपीरियंस क्या है शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ लियब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।